सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में नारी शक्ति को सलाम करते हुए स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कल्चर, म्यूजिक आदि में अपना नाम बनाने वाली महिलाओं को विमेन अचीवमेंट अवार्ड के साथ सम्मानित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवार्ड सेरेमनी का आगाज ज्योति प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती संगीता चोपड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। आए हुए सभी मेहमानों और स्टाफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हुए महिला दिवस की बधाई दी गई। इस अवसर पर इंडियन प्रोफेशनल चेस प्लेयर मलिका हांडा, थिएटर और कई पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी श्रीमती निशा प्रशांत, वर्ल्ड चैंपियन इन पावर लिफ्टिंग और माउंट एवरेस्ट प्रेट्रॉपर, एसएचओ विमेन सेल होशियारपुर मीना के पवार, एजुकेशन से डॉक्टर सिमरन सिद्धू और मंगला साहनी, एनजीओ से त्रिशला शर्मा को विमेन अचीवर अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त सेंट सोल्जर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की अध्यापिकाओं ने नारी शक्ति पर मॉडलिंग और छात्रों ने कोरियोग्राफी पेश की। वाइस चेयरपर्सन श्रीमती संगीता चोपड़ा ने सभी को महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज के समय में महिलाएं किसी भी वर्ग में पीछे नहीं हैं, बस जरूरत है उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला देने की। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। सेंट सोल्जर ग्रुप ने आज भारत में जो बच्चियां देश का नाम ऊंचा करने में बहुत आगे बढ़ गई हैं और जिनको एक पहचान की ज़रूरत है, उन सबको पहचान देते हुए हमने आज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें मिस मलिका हांडा जो कि अपने आप में एक उदाहरण है और शी इज़ क्रिएटिंग हिस्ट्री, उसको तेलंगाना जो सरकार है उसने भी इवन 15 लाख रुपीस से ऑनर किया है, ये कहते हुए कि इस बच्ची को, क्योंकि उस बच्ची वो मूक और बधिर है और आप मानते हैं अपनी स्पोर्ट्स में वो इंटरनेशनल में भी इवन गोल्ड और कितनी ही ख्यातियाँ प्राप्त कर चुकी हैं। ऐसे बच्चे को जो है अगर जब हम सब मिलकर सहयोग देंगे तो नो डाउट नारी जाति का सम्मान हम करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर सिमी सिद्धू, मिस मीना कुमारी, त्रिशला यादव, मंगला शर्मा और निशा प्रशांत, काफ़ी लड़कियों ने यहाँ पे आके हमें यहाँ पे बताया कि नारी का जो है महत्व क्या है। और यही मैं दिल से कहूँगी कि आज के समाज में नारी जाति को जो है जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बच्चों में जब हम संस्कार डालते हैं और ख़ास तौर से अगर बेटियों को, जब हम एक बेटी को पढ़ाते हैं तो आप देखिए वो दो दो कुलों का उद्धार करते हैं।